खानापारात विशाल जनसभा शंख घंटा बरकहर ध्वनिर माजेरे 11,600 कोटी टकार प्रकल्प मुकलि और आधारशिला स्थापन करिले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुठ 10 प्रकल्प आधारशिला स्थापन करिछे तेखेते मोदी मोदी ध्वनिरे मुखरित हल खानापारा এই প্রকল্পই অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়ন সাধিব বুলি মন্তব্য কৰিলে মোদীয়ে মোদীৰ গ্যারেন্টি মানে গ্যারেন্টি পূৰণৰ গ্যারেন্টি বুলি জনসভাত মন্তব্য কৰিলে প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে তেখেতৰ ভাষ্য আপোনা লোক সকলোকে মোৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছা ज्ञापन करिलो आज मुझे एक बार फिर मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। थोड़ी देर पहले यहां 11,000 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पॉटिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी रूप में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी परिवारजनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कल शाम को यहां आया, जिस प्रकार से गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया, अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे, मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए, आपका ये प्यार आपका ये अपनापन ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है। ये आपका स्नेह आपके आशीर्वाद मुझे निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। मैं जितना आप सबका आभार व्यक्त करूं उतना कम है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ दिनों में मुझे देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करने का अवसर मिला है। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। आज मुझे यहां मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है
मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। जब ये बनकर पूरा होगा तो ये देश और दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। मां कामाख्या दिव्य लोक परियोजना के पूरा होने के बाद हर साल और ज्यादा श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और मैं देख रहा हूं कि मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। जो भी यहां आएगा पूरे नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म की ओर बढ़ेगा। एक प्रकार से ये उसका प्रवेश द्वार बन जाने वाला है। इतना बड़ा काम इस दिव्य लोक के साथ जुड़ा हुआ है। मैं हिम्मता जी और उनकी सरकार की इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए सराहना करता हूं। साथियों, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां है। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में अब भारत में स्थितियां बदल गई है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसका परिणाम आज हम असम के अलग अलग कोनों में भी देख रहे हैं। असम में आस्था, अध्यात्म और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। विरासत को संजोने के इस अभियान के साथ ही विकास का अभियान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। बीते 10 वर्षों को देखो तो हमने देश में रिकॉर्ड संख्या में कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज बनाए हैं। पहले बड़े संस्थान सिर्फ बड़े शहरों में ही होते थे। हमने आईआईटी,
आईआईएम जैसे संस्थानों को उसका नेटवर्क पूरे देश में फैलाया है। बीते 10 वर्षों के दौरान देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या करीब करीब डबल हो चुकी है। असम में भी भाजपा सरकार से पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 12 मेडिकल कॉलेज है। असम आज नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के इलाज का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। साथियों, देशवासियों का जीवन आसान हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के पक्के घर बनाए हैं। हमने घर घर पानी, घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान भी चलाया है। उज्ज्वला योजना ने आज असम की लाखों बहनों बेटियों को धुएं से मुक्ति दी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों ने असम की लाखों बहनों बेटियों की गरिमा की रक्षा की है। साथियों, विकास और विरासत पर हमारे इस फोकस का सीधा लाभ देश के नौजवानों को हुआ है। आज देश में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बीते 1 वर्ष में 8.5 करोड़ लोग काशी गए। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने उज्जैन में महाकाल महालोक के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदार धाम की यात्रा की है। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 12 दिन में ही अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। मां कामाख्या दिव्य लोक बनने के बाद यहां भी हम ऐसा ही दृश्य देखने वाले हैं। साथियों, जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। रिक्शे वाले हो, टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, रेहड़ी पटरी वाले हो, सभी की आमदनी बढ़ती है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने पर्यटन पर बहुत बल दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार पर्यटन से जुड़े ऐतिहासिक स्थानों के विकास के लिए नया अभियान शुरू करने जा रही है।